आईएससी इंग्लिश की पोएम है ये, डेसी डरेटा। तो मैं बोलूँगा बहुत ही एक बैलेंस्ड पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, बहुत रियलिस्टिक है ये पोएम, ठीक है, प्रैक्टिकल पोएम है। तो ये पोएम लिखी है, थोड़ा सा बता दूँ, ये एक अमेरिकन पोइट थे, मैक्स एहरमैन, 1920 में, तो मतलब आज से 100 साल पहले ये पोएम लिखी गई थी। तो बहुत अच्छी पोएम है, हिंदी में इसका हम एनालिसिस करेंगे। लेट्स बिगिन। अब क्या कह रहे हैं पोइट इसमें, ग्लो प्लेसिडली एमिट द नॉइज एंड हेस्ट। ठीक है, प्लेसिडली मतलब क्या होता है, प्लेसिडली मतलब एक न्यूट्रल स्टेट है, मतलब आपको कोई ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है ना दुखी होना है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एक बैलेंस्ड वे में, ठीक है, मतलब आपको एक बैलेंस्ड वे में जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको दुखी भी नहीं होना और बहुत ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना, ठीक है, तो आप लाइफ को बैलेंस्ड वे में चलो। तो बैलेंस्ड वे में अमिड द नॉइज एंड हेस्ट, मतलब एक्चुअली में यहाँ पॉइंट बोल रहा है कि तो जो दुनिया है इसमें काफ़ी नॉइज़ है, काफ़ी लोग जल्दबाजी में रहते हैं, तो आपको बहुत ही बैलेंस्ड वे में दुनिया में जीना है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना है, ठीक है। एंड रिमेंबर वॉट पीस देयर मे बी इन साइलेंस। और वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको जो साइलेंट रहने की कोशिश करनी है, शांति से जीना है आपको, आपको बहुत पीसफुल वे में जीना है, और जब आप बहुत पीसफुल वे में एक शांत शांत प्रिय वे में ज़िंदगी जियोगे तो आपको दिखाई देगा कि ज़िंदगी में बहुत सुकून है, ठीक है। एक्चुअल में जो ये ऑथर है ना, ये स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी बिलीव करते थे, ठीक है, अध्यात्म बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी को। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है मेडिटेशन में और जो लाइफ को एक्सेप्ट करने में, लाइफ को ये एक्सेप्ट करते थे एज इट इज़। मतलब क्या है कि ये कहते थे कि लाइफ में सफरिंग है, लाइफ में हार्डशिप है, बट लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लाइफ बहुत खूबसूरत भी है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल भी है, तो हमें लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ जैसी भी है। तो ये उन्होंने यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर, बी ऑन गुड टर्म्स विद ऑल पर्सन। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, विदाउट सरेंडर, क्या सरेंडर ना करें, वो कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको सरेंडर मत करो, जैसे आप हो अपनी, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए आप ऊपर ऊपर फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सिर्फ आप ऊपर ऊपर स्माइल करते रहते हो लेकिन अंदर से कुछ और बन जाओ, तो कह रहे हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना, ठीक है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रहो आप लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना, ये ना हो कि सामने वाला इंसान आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता रहे, बुरा भला कहता रहे, बट फिर भी आप दब के काम करते रहो, ठीक है। वो कह रहे हैं ऐसा काम मत करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना और सबके साथ बहुत प्यार से रहना, बहुत पीसफुली रहना। स्पीक योर ट्रुथ क्वाइटली एंड क्लियरली एंड लिसन टू अदर। वो कह रहे हैं अपना जो सच है, जो अपनी बात आपकी है, उसको ऑनेस्टली बोलो, सच्चाई से बोलो और दूसरों की बातें भी सुनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी अपनी बोलते रहो, दूसरों की सुनो मत, ठीक है। इवन टू द डल एंड इग्नोरेंट दे टू हैव द स्टोरी। मतलब वो कह रहे हैं बहुत बार हमें लगता है कि जो हमसे कम इंटेलिजेंट लोग हैं हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है ये बात सच नहीं है, जो आपसे कम इंटेलिजेंट है, ठीक है, जिनको इतना आता नहीं है, जिनको आपको लगता है कि ये लोग कम इंटेलिजेंट है, वो ऑथर कह रहा है कि आप उनके पास भी बैठो, क्योंकि हर इंसान की अपनी इतना स्टोरी है, हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी है, हर इंसान की अपनी एक लाइफ है, तो हर इंसान के साथ आप बैठो भले ही आपको लगे कि वो आपसे कम इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। फिर क्या कह रहे हैं ऑथर, अवॉइड लॉयड एंड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सन, दे आर वेक्सेशियस टू द स्पिरिट। वो कह रहे हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करो, क्योंकि ये ना वेक्सेशियस मतलब एक तरीके से बहुत ख़राब है, वेक्सेशन मतलब कोई चीज़ बहुत जब खराब होती है। तो कह रहे हैं ऐसे लोग जो चीखते चिल्लाते हैं, अग्रेसिव होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, टॉक्सिक है, आपको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे डीपली, आपके माइंड को ख़राब कर देंगे। इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स यू मे बिकम वेन और बेटर। वो कह रहे हैं अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि देखिए आप जब कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई इंसान या तो आपसे ऊपर होगा या आपसे नीचे होगा, तो अगर आप अपने नीचे वालों से कंपेयर करोगे तो आपको बिकम वेन मतलब आप अपने आप को बहुत प्राउड फील करोगे, आपकी ईगो बूस्टअप हो जाएगी, बहुत प्राउड ही फील करोगे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ठीक है, जब आप अपने आप को अपने नीचे वालों से कंपेयर करते हो, और जब आप अपने ऊपर वालों से कंपेयर करोगे तो आपको जेलेसी होगी, इसलिए वो कह रहे हैं बेटर हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये मतलब है फॉर ऑलवेज देयर बी ग्रेटर एंड लेसर पर्सन देन योर सेल्फ, वही तो वो कह रहे हैं कि आप अगर अपने आप को कंपेयर करोगे तो कोई ना कोई आपसे ऊपर होगा, कोई ना कोई आपसे नीचे हमेशा होगा, तो कंपेरिजन नहीं करना चाहिए किसी से भी, अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करो और जो भी आपके प्लान है लाइफ में उनको आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है। कीप इंटरेस्टेड इन योर ओन करियर हाउ एवर हम्बल, इट्स अ रियल पोजिशन इन द
चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये पोएम एक बहुत ही प्रैक्टिकल पोएम है, रियलिस्टिक पोएम है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल बहुत रियलिस्टिक पोएम है। तो क्या कह रहे हैं, अपने करियर को पे आप हमेशा फोकस करो। लाइफ में कुछ भी हो जाए अपने करियर पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि जब आदमी का हार्ड टाइम आता है तो उस टाइम पे आपका करियर ही आपके काम आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप देखो रियल लाइफ में भी देखो, जब आपका हार्ड टाइम आ जाए, कुछ ख़राब टाइम आ जाए, तो अल्टीमेटली आपका करियर, करियर मतलब आपको वहाँ से पैसा मिलता है, ठीक है। तो आपका जो करियर है, जो आपने पैसा कमाया और जो आपकी सक्सेस है, वही आपको हार्ड टाइम में साथ देती है, ठीक है। एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर्स फॉर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रिकरी। वो कह रहे हैं कि जब आप बिजनेस करने जाओ तो ध्यान रखना कि लोग दुनिया में बहुत ट्रिक भी हैं, लोग बहुत चालाक भी हैं, ठीक है। तो चालाकियों को समझना लोगों की, तो आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेवकूफ़ बन के चलते जाओ दुनिया में। एक तरीके से यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको थोड़ा सा समझदार रहने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बेवकूफ़ बना दे। देखो ऑथर ये कह रहा है कि आप किसी के साथ गलत मत करो, बट इतना आपको ये पता होना चाहिए कि कोई आपको खुद को बेवकूफ़ ना बना के चला जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत चालाक लोग भी हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रिकरी, बट लेट दिस इज़ नॉट ब्लाइंड यू टू वॉट वर्च्यू देयर इज। वो कह रहे हैं कि लेकिन ये मत सोचना इससे, अब आप देखोगे जैसे कि दुनिया में बहुत चालाक लोग हैं, दुनिया में बहुत ज़्यादा कनिंगनेस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में अच्छी चीज़ें नहीं है। वो कह रहा है इससे आप ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि अगर कुछ लोग चला गए तो दुनिया में कोई भी अच्छाई नहीं है, दुनिया में कुछ भी सुंदरता नहीं है, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। वर्च्यू भी है दुनिया में, अच्छाई भी है दुनिया में, ठीक है। कुछ जगह अगर चलाकी है तो कुछ जगह अच्छाई भी है। तो ये मत सोचना, नेगेटिव ओपिनियन मत बना लेना लाइफ की तरफ अपना एटीट्यूड, ठीक है। मैनी पर्सन स्ट्राइव फॉर हाई आइडियल्स एंड एवरीवेयर लाइफ इज फुल ऑफ हीरोइज्म। वो कह रहे हैं कि आप अपने जो जो आइडल्स हैं लाइफ में, अच्छे आइडल्स बनाओ, ठीक है। अच्छे लोगों को आप आइडलाइज करो, जो दुनिया में जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करा, जैसे एग्जांपल के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, न्यूटन हो गया, चार्ल्स डार्विन हो गए, तो इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो और भी बहुत लोग हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ साइंस के फील्ड से बता रहा हूँ आपको। तो कह रहे हैं अच्छे लोगों को आप फॉलो करो, ताकि आप लाइफ में आपके जो, क्योंकि जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं फिर वैसे ही आपके थॉट्स बनते जाते हैं, क्योंकि जिनको हम फॉलो करते हैं हम कहीं ना कहीं वैसा बनना चाहते हैं। तो जब आप वैसा बनना चाहोगे तो आप वही ट्रैक पकड़ोगे, वही पाथ पकड़ोगे, वैसे ही आपके एक्शन होंगे, वैसे ही आपके थॉट होंगे। तो कह रहे हैं कि आप अच्छे लोगों को फॉलो करो। बी योर सेल्फ स्पेशली, डो नॉट फीन अफेक्शन, नीदर बी सिनिकल अबाउट लव। वो कह रहे हैं कि ऑनेस्ट रहो, ठीक है। ऑनेस्ट किस में रहो, तो स्पेशली लव के मैटर्स में झूठा प्यार मत दिखाओ, ठीक है। अगर आपका सच में प्यार है तो आप इंसान से प्यार करो, झूठा प्यार मत दिखाओ। फीन अफेक्शन का मतलब यही है, झूठा मत दिखाओ प्यार को, ठीक है। अफेक्शन मतलब यहाँ प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है। झूठा प्यार मत दिखाओ, अगर सच में किसी को प्यार नहीं करते तो उसको जबरदस्ती फॉर्मेलिटी के लिए मत बोलो मीठा मीठा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो मत करो। और वो सच साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिनिकल भी मत हो जाओ लव के लिए। सिनिकल मतलब होता है नेगेटिव एटीट्यूड, ये मत सोचो कि दुनिया में आप बोलो कि प्यार होता ही नहीं है, सब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा भी मत करो, ठीक है। तो एक तरफ मतलब वो बैलेंस्ड अप्रोच बता रहा है ऑथर, ये बहुत ही बैलेंस्ड ऑथर है। ये बोल रहे हैं कि ना तो हमें झूठा किसी से झूठा प्यार करना चाहिए, ठीक है, और ना ही फिर हमें ये बोलना चाहिए कि प्यार जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, बिल्कुल बेकार है। ऐसा नहीं है, आप बैलेंस रहो, आप जिससे भी प्यार करते हो ट्रू रहो, ऑनेस्ट रहो, ठीक है। ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटी के लिए मत करो। फॉर इन द फेस ऑफ ऑल एरिडिटी एंड एंचेंटमेंट इट इज एज पेरिनियल एज द ग्रास। वो कह रहे हैं कि लव बहुत बड़ी फोर्स है, और जब एरिडिटी और डिस एंचेंटमेंट आता है, मतलब जब लाइफ में होपलेसनेस आएगी, जब खराब कंडीशंस आएंगी, जब आपको लगेगा लाइफ में आए कोई रास्ता ही नहीं है, जब आप एकदम आप होपलेस हो गए हो, एरिडिटी एंड एंचेंटमेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि होपलेस कंडीशन आएगी, जब लाइफ में आपको डिप्रेसिंग कंडीशंस आएंगी, तो उस टाइम पे जो प्यार है ना वो बहुत काम आता है। प्यार में बहुत पावर है, प्यार की शक्ति उस टाइम बहुत पावर काम आती है। वो कह रहे हैं प्यार ऐसा ही है जैसे कि ये घास है, घास हमेशा रहेगी, स्टार्टिंग से थी, पेरेनियल मतलब जो हमेशा रहने वाली, तो जैसे घास हमेशा रहती है ऐसे ही प्यार भी हमेशा रहता है। जब भी खराब कंडीशंस आएंगी उस टाइम पे प्यार की पावर ही, प्यार की शक्ति ही आपको उस एडवर्स और खराब कंडीशन से आगे निकलने में, फाइट करने में मदद करेगी। टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द ईयर्स, ग्रेसफुली सरेंडरिंग द थिंग्स ऑफ द यूथ। अब वो कह रहे हैं जो टाइम बीत गया है आपका, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, ठीक है, उसकी एडवाइस सुनो। देखो जैसे आप लाइफ में जब आगे जाओगे ना, तो जो जो आपकी लाइफ में पीछे हुआ है तो उस एक्सपीरियंस से आप सीखोगे। भाई जो लोग बड़े लोग होते हैं वो समझदार क्यों होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो वो ही बता रहे हैं कि जब आप आगे जाओगे लाइफ में तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा सालों का अपना पीछे का, उसको सुनना, ठीक है। काउंसिल मतलब उसकी एडवाइस को सुनना, किसको किसकी एडवाइस को बोल रहा है ऑथर, जो तुम्हारी एजिंग हो रही है,
20 साल, 30 साल, 40 साल तक जब पहुंचोगे, तो जो तुम्हारी 30 साल, 40 साल जो तुमने जिंदगी जी है, एक्सपीरियंस मिला है, तो उसको एजिंग की जो इम्पोर्टेंस को समझना, जो आदमी जो उस टाइम तो तुमने एक्सपीरियंस से जो सीखा होगा ना, उस एडवाइस को वो करना, इम्प्लीमेंट करना, ग्रेसफुली सराउंडिंग द थिंग्स ऑफ यूथ। अब देखो, जब आप वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहा है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो विजडम जो आपके पास आएगा उसको तो सुनना ही सुनना, और जो चीज़ें आपकी यूथ में हो गई उसको सरेंडर कर देना ग्रेसफुली। तो बहुत लोग क्या होते हैं, अपने पास को लेके बहुत परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं कि मैं जवानी में ऐसा था, मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, अब मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं है, अब मैं ढल गया हूँ, तो उसको लेके ना परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। वो कह रहे हैं रोना नहीं है, आपका यूथ निकल गया, आप बूढ़े हो गए हो, तो उसको ग्रेसफुली सरेंडर कर दो। यूथ चला गया, पार्ट ऑफ लाइफ था, जैसे यूथ एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसे आपकी ओल्ड एज जब आई है, आप 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तो वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ओल्ड एज को एक्सेप्ट करो और यूथ को ग्रेसफुली सरेंडर कर दो, ठीक है? तो ये आप देखोगे एक बहुत ही बैलेंस्ड बात कर रहे हैं, ये फिलोसफिकल बातें हैं। नर्चर योर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट टू शील्ड यू इन सडन मिसफॉर्चून। वो कह रहे हैं अपने स्पिरिट मतलब अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाओ, अंदर से स्ट्रांग बनो, ठीक है? अंदर से स्ट्रांग बनो ताकि जब लाइफ में कुछ खराब कंडीशन आया, ताकि तुम उसको फेस कर पाओ। आप बाहर से मान लीजिए बहुत स्ट्रांग बन गए, आप जिम जा रहे हो, आप मसल्स बना रहे हो, लेकिन अंदर से आप आपकी जो स्पिरिट है वो वीक है, तो अब क्या होगा, लाइफ में कभी भी कुछ मिसफॉर्च्यून आएगा। देखो, लाइफ हमेशा कभी अच्छी नहीं होती कि 100% पूरी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी चले, बहुत कुछ लोग होते हैं, ठीक है, बट मेजोरिटी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स आती हैं कभी ना कभी, ठीक है? किसी ना किसी की, इंसान की, आपकी जो क्लोज वंस होंगे उनकी डेथ होगी, ठीक है, रिलेटिव्स की डेथ होती है, पेरेंट्स की डेथ होती है, हमारे सिबलिंग्स की डेथ होती है। तो कह रहे हैं कि मिसफॉर्च्यून कभी ना कभी लाइफ में आपके आएगा, करियर में भी आएगा, आपकी खुद की हेल्थ में भी आएगा। तो अगर आपकी स्पिरिट अंदर से वीक है, तो आप उस मिसफॉर्च्यून को ना बियर नहीं कर पाओगे, उसको फेस नहीं कर पाओगे। तो अंदर से भी वो कह रहे हैं अपनी जो आत्मा है उसको स्ट्रेंथ दो, उसको स्ट्रांग बनाओ। बट डू नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ विद डार्क इमेजिनिंग्स, मैनी फियर अ बॉर्न ऑफ फैटिग एंड लोनलीनेस। वो कह रहे हैं कि अब ऐसा भी नहीं मत करना कि पूरे टाइम हमेशा नेगेटिव सोचते रहो। डार्क इमेजिनिंग मतलब इमेजिनेशन पूरे टाइम अपनी डार्क मत करना, कि इंसान की आदत है जब वो सोचता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता रहता है, बैठे बैठे कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेगा। तो पूरे टाइम वो कह रहे हैं नेगेटिव मत सोचना, इतना डार्क मत इमेजिन करने लग जाना कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा, आगे सब कुछ खराब होगा, ऐसे मत सोचना। अपने आप को स्ट्रेस में मत डालना है इतना फालतू की बातें सोच सोच के, ठीक है? वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो फियर्स होते हैं ना, वो जैसे, क्योंकि अब वो क्या बता रहे हैं, जैसे कि जब आगे वो कह रहे हैं, एक्चुअल में वो बोल रहे हैं जब तुम ओल्ड एज में आओगे ना, तो ओल्ड एज में क्या होता है, आदमी का शरीर हो जाता है वीक, फैटिग मतलब वीकनेस, और अकेला भी पड़ जाता है आदमी जब आदमी 70-80 का होता है, क्योंकि आसपास के लोग फिर तब तक जो उनके साथ के होते हैं, बहुतों की डेथ हो चुकी होती है, दोस्तों की, हमारे पेरेंट्स की, और बहुत हद तक पार्टनर की भी, पार्टनर भी कई केसेस में चला जाता है। तो जब आप 80 के हो जाओगे, वो कह रहे हैं बुढ़ापे में जाओगे, तो आपकी बॉडी तो वीक हो जाएगी और आप उस टाइम पे लोनली भी हो जाओगे, ठीक है? तो कह रहे हैं उस टाइम पे डरना मत, क्योंकि बहुत सारे वो कह रहे हैं डर हमारे ना, हमारा जब शरीर वीक होता है और जब हम अकेला फील करते हैं, तो हमारे अंदर ना बहुत सारे डर पैदा हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे ना एक्चुअल में एक तरीके से ओल्ड लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि जब आप आगे जाओ, जब आपकी एजिंग हो जाए, किसी भी इंसान की वो कह रहे हैं जब एजिंग होती है, जब वो आगे बुढ़ा होता है, तो जब तब वो वीक होता है और जब वो अकेला पड़ता है, तो ना फिर वो डरना शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं डरना मत उस टाइम पे, ठीक है? तो ये एडवाइस दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी एजिंग होगी आगे। तो ये एडवाइस हम सबके लिए भी है, क्योंकि बूढ़ा हमने भी होना है, ऐसा नहीं कि हम लोग बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है? तो आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होंगे, सब बूढ़े होते हैं, तो वो ये एडवाइस तब बहुत काम आएगी। बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विद योरसेल्फ। वो कह रहे हैं लाइफ में एक डिसिप्लिन बना के रखो, डिसिप्लिन होना चाहिए किस टाइम हमें कैसे, हमें उठना है, सोना है, खाना है, पीना है, काम करना है, ठीक है, कैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। बट वो कह रहे हैं डिसिप्लिन में पागल मत हो जाना, थोड़ा अपने साथ जेंटल भी रहना, इतना भी हार्ड मत हो जाना कि बिल्कुल, कि आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन हो गए, आप लाइफ जीना ही भूल गए। थोड़ा सा अपने साथ जेंटल भी रहो, सॉफ्ट भी रहो। फिर वो एंड में बोलते हैं, बड़ी अच्छी लाइन है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, नो लेस देन द ट्रीज एंड द स्टार्स, यू हैव अ राइट टू बी हियर। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स ने हम सबको, हम सब यूनिवर्स की ही एक तरीके से वो बोलते हैं संतान है, ठीक है, हम चाइल्ड हैं यूनिवर्स के। वो कह रहे हैं जैसे कि यूनिवर्स के चाइल्ड कौन कौन है, यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं स्टार से, ट्रीज से। तो जैसे ट्रीज हैं, जैसे स्टार हैं, ये सब यूनिवर्स के अंदर ही तो हैं, यूनिवर्स के ही चाइल्ड बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा पोएम है, तो पोएम में पोएट ऐसे ही लैंग्वेज लिखता है। वो बोलता है यूनिवर्स के चाइल्ड कौन कौन है, ट्रीज हैं, स्टार हैं। तो कह रहे हैं ऐसे तुम भी चाइल्ड हो यूनिवर्स के, तो तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है इस दुनिया में जीने का जितना ट्रीज का, स्टार्स का है, ठीक है? एंड वेदर और नॉट इट इज क्लियर टू यू, नो डाउट द यूनिवर्स अनफोल्डिंग एज इट शुड। वो कह रहे हैं भले ही तुम इस बात को पहचान पाओ या ना समझ पाओ कि तुम यूनिवर्स के चाइल्ड हो, बट यूनिवर्स हमेशा तुम्हें इस चीज का एहसास दिलाता रहता है कि तुम यूनिवर्स के चाइल्ड हो,
क्योंकि देखो बहुत, अब ये देखो ना, बहुत स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल बात क्या कर रहे हैं नॉर्मली, कि जैसे कि अब जब इंसान मर जाता है, ठीक है, जब इंसान मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि इंसान वापस गॉड के पास चला जाता है या यूनिवर्स की एनर्जी में मिल जाता है, हम जैसे कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि इंसान यूनिवर्स से ही निकला है, और जब यूनिवर्स से निकला है तो इंसान यूनिवर्स का चाइल्ड है, भले ही इंसान इस बात को एडमिट करे या ना करे, क्योंकि बहुत से लोग एडमिट ही नहीं करते इस बात को, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में साइंस में चले जाते हैं वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें, ये सब बेकार की बातें हैं, वो कहते हैं सिर्फ साइंस ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वॉर्न कर रहे हैं कि भले ही तुम इस बात को मानो चाहे मत मानो, बट तुम चाइल्ड तो यूनिवर्स के ही रहोगे, और यूनिवर्स ये चीज़ तुम्हें बार बार एहसास दिलाता रहेगा कि तुम यूनिवर्स के चाइल्ड हो, जिंदगी भर बार बार स्टार्स के थ्रू और ट्रीज के थ्रू और पानी के थ्रू, समुंदर के थ्रू, सन के थ्रू, यूनिवर्स बार बार ये एहसान दिलाता है कि इंसान यूनिवर्स का बच्चा है, चाहे इंसान इस बात को एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, ईगो में आके, ठीक है। फिर ये लास्ट का पैराग्राफ है, देयर फॉर बी एट पीस विद गॉड वॉट एवर यू कंसीव हिम टू बी। वो कह रहे हैं भगवान के साथ आप एक अपना रिश्ता बना के रखो, ठीक है, भले ही तुम भगवान को कैसे भी मानते हो, कोई पर्सनल गॉड मानता है, कोई कहता है यूनिवर्स ही भगवान है, कोई एक अपना गुरु मानता है, वो कह रहे हैं आप जिसको भी भगवान मानते हो, जिस भी चीज़ को आप भगवान मानते हो, उसके साथ आप अपना एक रिलेशन बना के रखो, एक पर्सनल एक कनेक्शन बना के रखो, ठीक है, एक पर्सनल कनेक्शन बना के रखो एक गॉड के साथ, और चाहे आप उसे किसी भी फॉर्म में मानते हो बट गॉड को मानो, और गॉड के साथ अपना एक, गॉड को याद करो, गॉड के साथ अपना एक पर्सनल रिलेशन बना के रखो, वो यही बता रहे हैं। एंड वॉट एवर योर लेबर्स एंड एस्पिरेशंस इन द नॉइजी कन्फ्यूजन ऑफ लाइफ कीप पीस इन योर सोल। वो कह रहे हैं लाइफ में चाहे, देखो वो यहाँ पे ना आप स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लाइफ में भले ही आपको कितना भी काम करना पड़ जाए, जो भी आपके डिजायर्स हों, जो भी आपके ड्रीम्स हों, ठीक है, और वो कह रहे हैं लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत नॉइजी लाइफ है, ये दुनिया बड़ी नॉइजी सी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कॉम्पिटिशन है, ये है, और वो कह रहे हैं इन इतनी स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में आपके, आप बहुत सारी मेहनत भी करोगे, आपके बहुत सारे गोल्स भी हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स भी हैं, वो सब कुछ करते रहना, लेकिन अपने आप से थोड़ा पीसफुल रहना, अपनी जो आत्मा है ना, इनर पीस को भी ढूंढना, आत्मा के इनर पीस को, ये ना हो कि आप इंटरनली खुश नहीं हो, अपनी इनर पीस को आपने सेक्रीफाइस कर दिया और आप बाहर की दुनिया में भागते जा रहे हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी जो इनर सोल है उसको आप थोड़ा सा रिकोगनाइज करना, उसके साथ पीसफुल रहना, ठीक है। जो भगवान है वो बार बार इसमें एक्चुअली ने ये भी बोला है, जो भी जिसको भी आप भगवान मानते हो उसको थैंकफुल रहना, ठीक है, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ उनको बोलना भगवान को कि भगवान, जिसे भी आप भगवान मानते हो, कि आपने मुझे जिंदगी दी है, आपने मुझे जीने का मौका दिया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो वो कह रहे हैं आत्मा को, भगवान को, इन चीज़ों को भूल मत जाना कि बाहर की दौड़ में, दुनिया की दौड़ में जाते जाओ और पीछे अपनी सोल को और गॉड को भूलते जाओ, ठीक है। तो बहुत गुड लाइन्स हैं, स्पिरिचुअलिटी और एक बहुत ही डेप्थ है इनकी लाइन्स में। विद ऑल इट्स शैम ड्रजरी एंड ब्रोकन ड्रीम्स इट्स स्टिल अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड बी चेयरफुल स्ट्राइव टू बी हैप्पी, ठीक है। शैम मतलब वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है, और बहुत हार्ड भी है दुनिया, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ड्रजरी मतलब बहुत हार्ड वर्क, ठीक है, और बहुत लोगों के सपने टूटते भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे जो सपने देख रहे हो सबके सब, हर इंसान के सारे सपने पूरे हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ही फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनके सारे सपने पूरे होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर आप ये जो दुनिया है जहाँ पे इंसान के सपने टूटते भी हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी है, हार्डशिप्स भी हैं लाइफ की, लाइफ की लाइफ में बहुत हार्डशिप्स भी हैं, ठीक है, स्ट्रगलिंग है लाइफ, उसके बावजूद भी सॉरी वो कहते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो बहुत अच्छी लाइन है, देखो बैलेंस किया उन्होंने, कैसे बैलेंस किया, एक साइड वो क्या बोलते हैं कि दुनिया में बहुत फ्रॉड भी है, बहुत हार्डशिप भी है, बहुत स्ट्रगल भी है, लोगों के सपने भी टूटते हैं, ठीक है, लोगों के दिल भी टूटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो क्या है, पोइट बैलेंस करता है, बहुत अच्छी बैलेंसिंग इनकी राइटिंग स्टाइल है। फिर ये कहते हैं खुश रहो हमेशा, ठीक है, बी चेयरफुल, और कोशिश करो, स्ट्राइव मतलब कोशिश करो, कोशिश करो कि तुम हमेशा खुश रह सको, ठीक है। उनकी वो कहते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए खुश रहने की, हमेशा हमें दुखी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, लाइफ में दुख आते हैं, थोड़ा टाइम के लिए इंसान सैड होता है, दुखी होता है, वो कह रहे हैं सारी बातें ठीक है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान ने हमें जीवन दिया है, हमें एक सुनहरा अवसर मिला है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर खुश रह सकें, ठीक है। तो गाइस ये था वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है काइंडली इसके सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय बाय।